मोकामा थाना क्षेत्र अंतर्गत मोकामा मुख्य मार्ग पर थाना से महज 400-500 मीटर की दूरी पर शुक्रवार को अपराधियों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी। मृतक चंद्रमोहन राय 35 बेगूसराय जिले के हरकपुरा मंझौल निवासी सत्यनारायण राय का पुत्र था। चंद्रमोहन राय की मोकामा बाजार में कपड़े और बिजली की दुकान है और वो मोकामा शंकरवार टोला में किराए के मकान में रहता था। मोकामा नगर परिषद के वार्ड संख्या 21 चिंतामनीचक में मृतक की ससुराल है। शुक्रवार की रात वो दुकान बंद कर अपने घर की ओर जा रहा था, उसी दौरान मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने उसे गोली मार दी और भाग निकले। गोली चंद्रमोहन राय के पेट और हाथ में लगी और वो सड़क किनारे गिर गया। स्थानीय लोगों ने घायल अवस्था में उसे मोकामा रेफरल अस्पताल में भर्ती किया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मोकामा रेफरल अस्पताल में लोगों की भीड़ जुट गई, स्वजन चीत्कार मारकर रोने लगे। मृतक के स्वजनों ने चंद्रमोहन की हत्या का आरोप उसके बहनोई और भांजे पर लगाया है। अस्पताल में मौजूद मृतक के स्वजनों ने बताया कि शुक्रवार की दोपहर चंद्रमोहन का उसके बहनोई और भांजे से जमीनी विवाद में काफी बहस भी हुआ था। वहीं मामले में पुलिस ने मृतक की बहन को गिरफ्तार कर लिया गया है। एएसपी राकेश कुमार ने बताया कि हत्या मृतक के भांजे ने की है। पुलिस हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। क्या घटना है? घटना अजय सिंह से इनको घर पर इनका जमीन लिखा लिया है, तो उसी में तनी बकवास हुआ। आज दिन में आसाम में गोली मार दिया कुणाल और अजय सिंह दोनों मिल के। कुणाल और अजय सिंह मार दिया गोली। विवाद जमीन का है? जमीन का। कब की घटना है? कब की घटना है? 4-5 महीना का। 4-5 महीना। आज दिन में बकवास हुआ, घनश्याम में गोली मार दिया। दिन में सुबह भी बकवास हुआ? हाँ, दोपहर में हुआ, 1-1.5 बजे बकवास। और अभी कितना बजे के आसपास हुआ? अभी आधा घंटा, एक घंटा पहले। क्या पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कितना देर हुई? आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हो गया। जवाब में कुछ का कुछ जवाब में नहीं हो रहा है। आप कौन हुए मृतक? हमारा भाई की दामाद हुए। पूरा नाम आपका? राजीव कुमार। आज दिनांक 29/11/24 को शाम में एक मोकामा थाना अंतर्गत एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर देने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर मोकामा थाना वहां पहुंची और घटनास्थल पर पहुंचने के बाद और छानबीन करने के पश्चात ज्ञात हुआ कि मृतक चंद्रभूषण राय, जो कि मूल रूप से बेगूसराय का रहने वाला है और यहाँ मोकामा में रहकर इसका कपड़ा का और बिजली का दुकान है, जब यह दुकान बंद कर लौट रहा था तो इसके अपने भांजे ने इसकी गोली मार दी। विवाद का कारण यह है कि मृतक की बहन ने अपने भांजे के नाम से मृतक सिक्के से संबंधित जो इनका पैतृक जमीन है बेगूसराय में, उस जमीन को इस अपने बेटे के नाम से केवाला कर दिया था इसकी बहन ने, और इसको लेकर के विवाद पिछले 4-5 महीने से चल रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आज भी दिन में इन दोनों के बीच में विवाद हुआ था और इसी विवाद के क्रम में आज इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस घटना में शामिल मृतक की बहन को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।